हुण साडे बहुत ही सत्कारयोग बापू बलवीर सिंह जी राजेवाल वो अपने कीमती वचन आप जी दे नाल सांझे करनगे। उन्हां तों पहलां दो जकारे जरूर छड़ने ने। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल, संयुक्त किसान मोर्चा, किसान मजदूर एकता, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बापू बलवीर सिंह जी राजेवाल साहब, बहुत ही सत्कारयोग इस संघर्षशील धरती ते बैठे संत समाज दे सारे महापुरख, भाई जसबीर सिंह जी रोडे, साबका जथेदार अकाल तख्त साहब, गुरु की लाडलियां फौजां, मेरिया जथेबंदियां दे सारे आगू साहबान, ते सामने बैठे किसान भरावो ते भैणों, सब तो पहला फतेह अर्ज करदा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये अंदोलन तकरीबन 10 महीने होने वाले ने चलदिया, कोई नहीं तुसी रहन दो, नहीं नहीं कोई नहीं, कोई नहीं रहन दो, 10 महीने हो गए इस अंदोलन नू चलदिया, अज तक इनू शांतमई रखण पक्षों सिर्फ एक तो बिना कोई शिकायत नहीं। मैं तुहानू हमेशा इको गल आखी भी जे शांतमय ही रहोगे तो तुसी जितोगे, जे हिंसक होगे तो मोदी जितेगा। तली है तुसी मेरी इस बेनती नू प्रवान कीता, खास तौर पर नौजवानों ने, ते तुसी बड़े डिसिपलिन च रह के अंदोलन चलाया, पर पिछले दिनी इत्थे मंदभागियां घटनावां कुछ वापरियां ने, कुछ लोगों ने उन्हां दा सियासी लाहा लैण दी कोशिश कीती, मैं गिला भी कीता, और मैं फिर उन्हां नौजवानों नूं कहांगा वी मैनू समझा दिओ ये कुछ करके तुसी क्या अंदोलन की हमायत की या मोदी की हमायत की है, ये अपने अंदर झात मार लियो, अपनों ही घेर के टारगेट करना एक किड्डी वड्डी सियाणप है। ये मोर्चा सिर्फ इक्को असूल ते आधारित एडा लंबा चलिया कि शांतमई रहा। अज ये अंदोलन सिर्फ पंजाब हरियाणा यूपी राजस्थान का नहीं, सिर्फ भारत देश के लोगों का नहीं, ये सारी दुनिया का अंदोलन हो निबड़िया। इस अंदोलन नूं विदेशों में बैठे लोग, खास तौर पर किसान वर्ग, ये सानू सुनेहे घलदा है। पिछले तो पिछले ऐतवार अमरीका विच किसानों ने, गोरे किसानों ने इकट्ठे होकर इस अंदोलन के हक विच एक जुलूस कढ़िया, और जुलूस तो बाद सानू सुनेहा दिता कि पंजाबी किसानों अते भारत के किसानों असी तुहाडे नाल हाँ। किसानों तुसी एडा वड्डा काम कर दिखाया जिहड़ा अज तक दुनिया च किसी ने नहीं किया। ये लड़ाई उन्हां दा कहना है, ये लड़ाई सिर्फ मोदी तक नहीं, ये दुनिया के वड्डे कारपोरेट घराणियां नाल लड़ाई है, और तुसी उन्हां घरां नाल मत्था लाया जिन्हां ने हमेशा दुनिया नूं लुट्टिया ते कुट्टिया। एडी वड्डी लड़ाई जिहड़ी इतिहास विच दर्ज हो गई, बहुत सारियां यूनिवर्सिटियां इहदे ते किताबां लिखियां होईयां, लोकां दीआं विद्यार्थियों के सिलेबस विच दर्ज करके पढ़ाउणा शुरू कर रही ने, बहुत सारिया देश दीआं फिल्मी हस्तियां इहदे ते फिल्मां बना रही ने। इस अंदोलन की महत्ता समझण की लोड़ है, ते जिहड़े लोग या जिहड़े वीर इस अंदोलन की मुढ़ली आइडियोलॉजी के खिलाफ जदों किसी ते अटैक करते हैं उन्होंने अपने अंदर झात मार लेनी चाहिए है भाई की मैं अंदोलन की सेवा कर रहा या मोदी की सेवा कर रहा। इतों बाद मैं कुछ नहीं कहना, पर अगली गल एक समझ लो, सारी दुनिया में यह सुनेहा तुहाडा गया होया, इत्थे तुसी बैठे हो, दुनिया भर च बैठा पंजाबी, खास तौर पर
जिथे भी बैठा जेड़े भी देश बैठा है वो तुहाडी कामयाबी लई अरदासां करदा है तुहाडे नाल जद्दोजहद विच शामिल है। मोदी गया अमरीका, मैनू राती टैलीफोन आ गया सी भई प्रधान जी एहो जिहा विरोध होएगा मोदी का इतिहास विच लोग याद करया करनगे। बोले सोनिहाल यूएनओ चाहे सारे दुनिया के लीडर असी दस देंगे भी ये मोदी किड्डा पखंडी है। ये शब्द सी उत्थे वसदे पंजाबियों के जेडे कल दे मोदी के विरोध की तैयारी में जुटे हुए ने। मैं बेनती करा अंदोलन तो असी 22 जनवरी तक जित लिया सी, 22 जनवरी तक 11 मीटिंगा हुई केंद्र के मंत्रियों नाल, मीटिंग च बैठ के एक एक कलॉज ते कल्ले कल्ले कानून ते बहस हुई और सरकार दे अधिकारियों कोल मंत्रियों कोल साडी किसे गल दा जवाब नहीं सी। अज भी मैं तुहानू एक दस देना चाहना अंदोलन तुसी जित लिया है, अंदोलन तुसी जित लिया है, सिर्फ ते सिर्फ मोदी दा राज हट रस्ते दे विच रोड़ा है। उन्हां कोल कोई जवाब नहीं है, मनदे ने भई कानून गलत बने हैं। एक गल होर करनी चाहांगा साढ़े समाज के दूजे वर्गों नूं, यह मत समझो भी अंदोलन केवल किसानों ते मजदूरों का है। इस अंदोलन अंदोलन एक कंध बन के खड़ गया सरकार के सामने, एडी वड्डी गिणती च कानून बनाए पए ने पाइपलाइन विच ने जिहड़े सानूं उह कहिंदे ने, जे अंदोलन ना हुंदा अज नूं उह कानून भी बाहर आ जाने सी ते सारी दुनिया ने त्राही त्राही कर उठना सी। ये अंदोलन रस्ते च रोड़ा है सरकार दे, वो कहिंदे भी जे अंदोलन उठ गया असी कुछ नवा कर दिता तो देश साडे बस विच नहीं रहना। इसे लई देश दे दूजे हिस्सों विच वसदे लोग अज तुहाडी इस गल नूं समझ गए ने। इत्थे कारपोरेट्स व्यापार करनगे, इत्थे कारपोरेट्स इंडस्ट्री चलाउणगे, इत्थे कारपोरेट सरकारां चलाउणगे। इस पासे नूं मोदी सरकार ने पहला कदम पुट्टिया एक किसानां दे उत्ते 3 कानून लागू करके। ये तिना कानूनों में किसानों कुछ नहीं, मजदूरों कुछ नहीं, एक कानून तिना ऐसा है जोड़ा महंगाई को रोकने वाला है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, जरूरी वस्तुओं का कानून। उस कानून हूँ आप थुक के चटे मोदी सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड किए हुए ने कानून। और पिछले दिन जदों महंगाई छाला मारन लगी तो उस पुराने कानून का सहारा लेके नोटिफिकेशन 3 कीतियां मोदी सरकार ने, 3 नोटिफिकेशन। इदों वड्डा सबूत होर की होएगा भी असी ज़्यादा ठीक सी तां उन्होंने उस पुराने कानून की लोड़ पई। असी उन्होंने यही कहा ना भी जिन्हां अमेंडमेंट कीतियां वापस लै लै, 1955 वाला कानून रहन दे, नहीं देश बर्बाद हो जाएगा, महंगाई कंट्रोल नहीं होएगी, आम आदमी का जीना मुश्किल हो जाएगा। जे खेती के कानून वापस ना ले तां लोकां दी रोटी अमीर कारपोरेट घराणियां दे गोदामां विच कैद हो जाएगी। उन्हां नूं लोकां नाल कोई सरोकार नहीं हुंदा, अपने मुनाफे तक सीमित हुंदे ने, लोकी भुखे मरनगे ते ओह कीमतां होर वधा के लोकां नूं लुट्टणगे। हालत इहो जी हो जाएगी, देश विच खाना जंगी हो जाएगी। अज मोदी सरकार नूं होर कोई फिकर नहीं। वो बार बार सानूं कहिंदे ने, जदों हुण भी किते आउंदे ने ना साडे कोल, वो यो गल कहते हैं कोई ऐसा रास्ता बताओ जिससे हमारी इज्जत बच जाए, आपका काम हो जाए। तो ये माने की है, सिर्फ तो सिर्फ राज हट है, होर कख नहीं। अदरवाइज ये अंदोलन अज न कदों का समाप्त हो गया होंगे जे मोदी की जगह कोई होर प्रधानमंत्री होंगे। सरकार लोगों नहीं होंदिया, लोग सरकार नहीं होंगे, सरकार लोगों होंदिया, लोग सरकार चुनते हैं। बदकिस्मती है साढ़े संविधान में पहले सफे पर लिखा है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। इत्थे तो लोगों की सरकार लोगों द्वारा चुनी हुई लोगों के भले लई बना की दिता मोदी ने, गवर्नमेंट ऑफ द कारपोरेट, गवर्नमेंट बाय द पीपल, गवर्नमेंट फॉर द कारपोरेट। कारपोरेट वास्ते सरकार लोगों ने चुनी कारपोरेट के भले लई, ये उल्टा काम हो गया। कुछ गिणती दे कारपोरेट्स देश नूं लुट्टी जा रहे ने, हर रोज़ सुन लैने भी अज फलाना अदारा बेचा जा रहा है, साड़ी रेलवे
दुनिया की सब तो वड्डी रेलवे है, पिछले दिन ही जो कीमत है जायदाद है वो असैसमेंट की गई, उस असैसमेंट 300 अरब रुपए कीमत पाई गई, उन्होंने बेचण वास्ते 15 अरब विच तैयारी है मोदी की। एडा वड्डा अदारा लोगों का इस देश के लोगों ने खड़ा किया, तो उन्होंने 300 अरब का अदारा 15 अरब बेचण की तैयारी होगी, वह भी अंबानी अडानी नू। अज हवाई अड्डे अंबानी अडानी नू बेचे जा रहे ने, रेलवे के कुछ दो रेलां ते कुछ होर रेलवे स्टेशन अडानिया नू बेचे जा रहे ने, उन्होंने लागे स्टेशन के उत्ते अडानी रेलवे स्टेशन लुधियाना, इस तरह हवाई अड्डा तो अमृतसर हवाई अड्डा अडानिया बेचता, तो बहुत सारे हवाई अड्डे बेचते जिते लिखे बाहर हवाई अड्डा फलाना शहर अडानी, तो इस तरह एक एक करके देश की सारी जायदाद बेची जा रही है। और बदकिस्मती इस देश की यह समझो, मैं तो समझागा इतने के पोलीटिकल लीडरशिप एडा एडी गिरावट आ गई, असि 74 साल अपने देश में गरीबी नहीं दूर कर सके, असी 74 साल इतों बेरोजगारी नहीं कढ सके, असी 74 साल लोगों का जीवन म्यार चज हाल का नहीं बना सके, सातों बाद आजाद होए लोग साते अगे निकल गए। तो मोदी जी मोदी जिथे जाते हैं मोदी 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 एक टीम लैके जाते जी मोदी मोदी करवाई है, ये तुम ये इतने अंदोलन पर बैठे हो तुम मोदी दियाँ जड़ा पुट दित्तियां ने। मैं कहा सी मोदी के भगतों बई तुम याद रखो असी पंजाब तुहाड़ियां जड़ां पट्टियां हरियाणे च पट्टियां, जिथे बीजेपी वाले बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते, असी यूपी च एंटर कर गए, यूपी दे यूपी राही होके प्रधानमंत्री की कुर्सी नू रस्ता जाता है, जे नहीं समझते तो असी यूपी विच भी तुहाड़ी दफा पट देंगे, बंगाल विच तुसी देख चुके हो, असी उत्थे जाके जो कुछ किया, जेडे कहिंदे सी भी मोदी की सरकार बनू किते नेड़े तेड़े भी नहीं टुके, बुरी तरह हारे बंगाल दे विच। ते हुण मैं स्पष्ट फिर कर देना चाहना, जिनी देरी करोगे उन्नी ही इस देश विचों तुहाड़ियां जड़ां पुट देंगे। बोले सोनेहार। मुजफ्फरनगर की रैली, मैं एक दिन असी करनाल जा रहे सी, टकैत साहब मैनू कहिंदे राजेवाल जी मेरी गड्डी च आ जाओ, असी गड्डी च बैठे दो बंदे इन्हां दे नाल तीन होर बैठे, वो गालां कढ़ी जाण टैलीफोन ते, तो मैं इन्हां नू कहा टकैत साहब आ की हुंदा है, कहिंदे मैं दुखी हो गया। मुजफ्फरनगर रैली तो बाद बीजेपी का IT सैल रोज़ मैनू गालां कढ़दा है, वह कहिंदा है भी तुसी मुजफ्फरनगर विच हर हर महादेव अल्लाहू अकबर बोले सो निहाल दे नाल नारे क्यों लाए, वो कहिंदे ने तुसी ये नारा क्यों लाया वो तोड़ेंगे हम जोड़ेंगे, कहिंदा हुण उदण दे मैनू बुरा भला बोली जांदे ने गालां कढ़ी जांदे ने, मैं अक गया अक के मैं आ बठाते भी जिहड़ा कुछ ये कहते ने उही तुसी करी जाओ। बोले सो निहाल। तो उखड़ी हुई है मोदी सरकार, मैं स्पष्ट कर दिया असी मुजफ्फरनगर ही नहीं कला किया, परसों चौथे प्रधानमंत्री के हल्के टकैत साहब वाराणसी रैली करके आए ने, जिथे कहिंदे सी इन्हां दी मर्जी ते बिना पत्ता नहीं हिलदा, कल बरसात करके हरिद्वार टल गया, नहीं हरिद्वार भी कल ओडियो रैली कर देनी सी, असी हर रोज़ यूपी की एक कमिश्नरी च एक वड्डी रैली करते हैं ताकि सारी यूपी विच इन्हां दी चंगी तरह दफा पट दित्ती जाए। वैस्टर्न यूपी तो साडे नाल तुरिया ही सी, हुण ईस्टर्न यूपी भी भज तुरिया है, जिथे लोगों नू डंडे नाल दबाया होया सी लोकी घरां तो बाहर निकल आए, इस अंदोलन ने लोगों नू लड़न दा ढंग सिखाता, इस अंदोलन ने लोगों विच जागरूकता लै आंदी, इस अंदोलन ने लोगों नू लीडरां दी सच्चाई सामने कर दित्ती। अज सानू समझण दी लोड़ है जिहड़े अज तक तुहानू धोखा दे के बिजनेस बनाई बैठे ने, अंदोलन नू तो लंबे सरकारां बना के पैसा कमाउणा अपना धर्म बनाई बैठे ने, उन्हां लोकां नू लोक पछाणन लग गए, हुण सवाल करदे ने, सवालों के जवाब आउंदे नहीं फिर वो साडे गल पैंदे ने, उखड़े होए ने, जमीन ते पैर लग नहीं रहे, ये बहुत वड्डी प्राप्ति है। जिहड़ा आदमी मंत्री दे गए ते हथ बन के खड़ा हुंदा सी, अज ओह मंत्री दे अख च अख पा के गल करदा है। मैनू एक गल याद है, मैं पिछे कुछ सज्जन मेरे
एक टेंट विच मैं उन्होंने सुना रहा सी एक पुरानी कहानी, एक पुराने समय अज तो 20 साल पहला अकाली मंत्री सी, असीं उन्हूं कहा भी मंत्री जी तुसीं लोकां दी गल कहते नहीं सुनते, वो कहिंदा सुनन नूं तैयार हो, लड़ोगे तो नहीं, असीं कहिंदे नहीं सुणांगे, कहिंदा असल गल ये है भी जदों लोग साडे कोल आउंदे ने उह सानूं कहिंदे ने जी मंत्री जी मेरे पिंड आयो, असीं सुन लैंदे आ, फिर दूजी वारी आउंदा है फिर कहिंदा जी मेरे पिंड दा प्रोग्राम दो, फिर असीं कह दिंदे आ कोई नहीं देखदे आ, तीजी वारी फिर कहिंदा है, चौथी वारी फिर कहिंदा है, असीं उहनूं प्रोग्राम दे दिंदे आ, असीं कह दिंदे आ तेरे पिंड फलाने दिन इन्ने बजे आवांगे, कहिंदा उह अड्डियां चक चक देखदा है भी मंत्री दी कार आई नहीं, इत्थे धूड़ उड्डी नहीं, कहिंदा इन्ना उत्सुक हुंदा है, असीं जाण के घंटा लेट जांदे आ, जदों उत्थे पहुँचदे आ कहिंदा जिन्हां ने हार फड़े हुंदे ने एक उहदे पैर वढ़दे ने भी मैं पहला हार पाउणा, उह कहिंदा मैं पहला हार पाउणा, कहिंदा इहो जिहे लोकां दा असीं कुछ क्यों करिए, अज इह भावना लोकां विचों निकल गई, इह 20 साल पुरानी कहानी सुणाउणा, अज पंजाब दे लोक खास तौर ते समझ गए भी जदों लीडर साडे पिंडां च आउण उहनां ते सवाल की करने ने, उहनां नूं सवाल सिखाउण दी लोड़ नहीं, उह सब समझदे ने, उहनां दे अंदर दबे होए सी, इस अंदोलन ने उह सवाल बाहर कढ दित्ते ते, और बहुत सारे लोगों को तकलीफ है इस अंदोलन की, वो अपने ढंग नाल इहनूं फेल करना चाहते हैं, तो मैं तुहानूं चौकस करदा भरावो ये अंदोलन दुनिया का अंदोलन है, जे फेल हो गया तो दुनिया विच कदे भी अंदोलन नहीं होएगा, बहुत वड्डी जिम्मेवारी है तुहाडे ते, बहुत वड्डा दाई है लोगों का, सानूं सारियां तुहाडियां मुश्किलां का भी पता है, अगे फसल आ रही है सानूं उहदा भी पता है, उहदे बिजाई करनी है उहदा भी पता है, पर मोदी सरकार नूं समझ लेना चाहिए जिन्ना देर करोगे उन्ना पछताओगे, मैं उम्मीद करदा तुसीं अंदोलन बहुत छेती जितोगे, और मैं धन्नवादी हाँ सारे महापुरखां दा, संत समाज दा, गुरु की फौजां दा जिन्हां ने अंदोलन की हमायत करन लई इत्थे आके साडा हौसला वधाया, धन्नवादी हाँ व्यापार मंडल दा, धनवादियां उन्हां जथेबंदियां दा मुलाजमां दा जिन्हां ने उस दिन 27 दे बंद दे विच बढ़ चढ़ के हिस्सा पाउण लई सानूं भरोसा दवाया, सारे देश दियां जथेबंदियां इकमुट होईआं, सारे थां ड्यूटियां लग चुकियां, सिर्फ जिहड़ियां जरूरी सेवावां हैं उन्हां लई छोट है, कोई बीमार है, दवाइयां दियां दुकानां ने इहो जिहियां जगह ते कोई बरात जांदी है उहनूं नहीं रोकणा, बाकी दा कोई भी चीज़ सारे देश में उस दिन नहीं चलेगी, मैं उम्मीद करदा शांतमई रह के, मैं जिहड़ी पहला बेनती की शांतमई रह के अंदोलन चलाउणा है, जिहड़ी गलती पिछले दिन होई है वह दोहराउणी नहीं, वह तुहाडे ते एक धब्बा लग गया, मैं समझदा कुछ बंदियां दी गलती नाल यह दोबारा गलती इहो जी नहीं करनी, अपने अपने नाल जफ्फी पा के घुट के मिलना, उन्होंने नेड़े लियाना है, किसी नूं दूर नहीं भजाउणा, इत्थे किसी की निज की लड़ाई नहीं, ये साड़ी सारियां की लड़ाई है, साड़े भविख की लड़ाई है, साड़ी होंद की लड़ाई है, कल्ली जमीना की लड़ाई नहीं, ये दुकाना की भी है, ये नौकरी की भी है, ये बेरोजगारी की भी है, ये भ्रिष्टाचार के विरुद्ध भी है, ये लड़ाई बहुत वड्डी लड़ाई है, इहदा दायरा बहुत वड्डा है, इहनूं अपनी जिम्मेवारी समझ के आपां इत्थों जित के जाणा है, मैं इन्ना कहिंदा तुहाडे सारिआं तों खिमा चाहुंदा, और फिर एक वारी सारे साडी हमायत ते आईआं सिख शख्सियतां सिंह साहबान सब का मैं तह दिलों सारिया जथेबंदियों वालों धन्यवाद करदा, वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह, बोले सोने।